आज काफ़ी दिन मुलाकात हुई तो उसके लिए तो भाई सॉरी। तो आज बताऊंगा आपको ग्राउंड पोजीशन के, स्टैंडिंग पोजीशन के तो बहुत दाव बता दिए कि ग्राउंड पोजीशन से चित करने का एक दाव है हत्था चढ़ाना, कि ग्राउंड पोजीशन से हत्था चढ़ा के कैसे चित करें। और ये ज़्यादातर मैट पे भी हो है लेकिन मिट्टी की कुश्ती के लिए बहुत बढ़िया है ये हत्था चढ़ाना। दोनों हत्थे चढ़ाने तो फाउल है, दोनों हाथ चढ़ाने, हत्था का मतलब हाथ हस्त। तो इसमें ग्राउंड पोजीशन हो, आ जा भाई तू सिर्फ लंबा लेट जा, लंबे पोजीशन पर हो हमेशा कुश्ती। ये पोजीशन है वापस घुटने पर, ये तो है पात्रे पोजीशन और ये है पेट वाली पोजीशन। इसमें लंबा लेट रहे हो ना कभी भी, पहली बात तो ग्राउंड पोजीशन में ध्यान रखो। लंबे इस पोजीशन में कंट्रोल करने के लिए है ना, यहाँ ये पोजीशन मत रखो, दोनों पैर मेरे इस तरफ है, ये देखो ये गलत है, या ऐसे बैठ के नहीं पकड़ सकते, ये उठ जाएगा, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड पोजीशन में आदमी को कंट्रोल करने के लिए एक घुटना दोनों पैरों के बीच में, ये पोजीशन या ये पोजीशन, ये कभी पोजीशन नहीं रहनी चाहिए कुश्ती में। ग्राउंड वाले को कंट्रोल करने के लिए मैं साइड में हूँ, मैं ये पोजीशन है, ये गलत है, इसलिए हमेशा ये पोजीशन या ये पोजीशन से ग्राउंड, ये पोजीशन। अब यहाँ से हत्था चढ़ाओ है कैसे चित करना है, मैं ऊपर आते अपोनेंट की क्या होगी अगर यहाँ से हाथ देगा तो ये दबा कर रखेगा इसको, मेरे को हाथ नहीं देने देगा ये, तो इसकी जगह कहाँ से बनाऊँ इसकी, या इस तरफ से डालूँ, इस तरफ डालूँगा ये क्रॉस रहना हमेशा, ये है तो मेरा शरीर ये रहेगा वर्टिकल और इस तरफ हूँ तो यहाँ रहेगा ये शरीर, इस तरफ नहीं यहाँ, तो यहाँ से हत्था चढ़ाऊँगा मैं डायरेक्ट इस पे, ये हाथ नहीं देने देगा मेरे को, अरे दे भी दिया मैंने हाथ उठने नहीं देगा क्योंकि ये जवान है ताकतवर है, मैं यहाँ से उठाऊँगा ये उठने नहीं देगा बिल्कुल भी, किसी भी हालत में उठने देगा। जब बराबर की उम्र हाइट वेट होगी ना हत्था चढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हत्थे के लिए जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने का सबसे पहला यहाँ से की बजाय पहले इस हाथ को यहाँ, ये देखो ये आ गई जगह, अब ये कमज़ोर हो गया, ये यहाँ सिर पे और ये पोजीशन इस तरफ चल के, ये पूरा वजन कंधे पे, मेरे को घुटनों पर नहीं आना। अगर मैं जगह तो जगह बनाने की देख लो, बिल्कुल चिपका हुआ है मैट से, जगह ऐसे नहीं बनाएगी, नहीं बनने देगा ये, लेकिन ये बनेगी जगह। और कभी भी हत्थे में बिल्कुल बगल में से हाथ नहीं उठाना यहाँ से, कंधा हमारे शरीर की बहुत मजबूत चीज़ है, कंधा घुटना कमर इतनी मजबूत है जो मेरे हाथ से नहीं टूट सकती। तो इसके लिए सबसे कमज़ोर चीज़ क्या होगी हत्थे में, यहाँ से कोहनी के नीचे से हाथ लिफ्ट, फिर हाथ यहाँ। अब इसके बाद मेरे पैर देखो, अगर मैं घुटनों पे आया तो इस पे मेरा वज़न नहीं है, ये खड़ा हो जाएगा और ये वज़न, मैं फ्लैट पोजीशन में हूँ और इसके कंधे पर वज़न है, ये उठ ही नहीं सकता, चाहे 100 किलो का हो। ये पोजीशन पहले जगह बनाओ कोणी से, ये और ये लिफ्ट, ये और कंधे पर वज़न और पैर, ये है हत्था चढ़ाने का। सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है हत्था चढ़ाने में, अभी बेटे इसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो, यहाँ लेट का हत्था नहीं चढ़ेगा, यहाँ लेट के मैं हत्था चढ़ाऊ हूँ। अब ये पीछे से तो बिल्कुल खाली है, उठ गया पीछे निकल जाएगा, इसलिए मेरे को इसकी कमर पर हिप पे वजन रखना पड़ेगा ताकि पीछे से खाली ना छोड़ूँ मैं इसको, इसलिए ये घुटनों में बैठना है। नमस्ते बेटे, ये पोजीशन सबसे बड़ी बात है, ये आते यहाँ से बगल से हाथ नहीं आएगा, कोहनी के नीचे से यहाँ से कमज़ोर है, ये हाथ पूरा खुला हुआ सिर पर और ये पोजीशन में पैर आएंगे दबा के, ये तो बढ़िया टेक्निक है नीचे से
अब ब्यास के बाद आ जाएगा, तो इस दाव को बोलते हैं अथा। और ये दोनों तरफ से लग सकता है, ये पोजीशन में इस तरफ बैठने की मेरे को आदत है, जैसे लेफ्ट राइट ही होते हैं उसमें सेम हम इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरे हाथ से ये बनाया, ये जगह अपन की अपने आप बट नेचुरल है, इसकी गर्दन चिपक के ही है, इस तरफ आते उठेगा ये हाथ, हाथ उठते वो ही पोजीशन है। यहाँ से हाथ कमज़ोर है, यहाँ से मजबूत है, यहाँ से नहीं आएगा कोहनी के नीचे से, ये 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 हत्था चढ़ाने का था आज का। अब अभ्यास करेंगे तो बढ़िया टेक्निक है, मिट्टी पे भी लगते हैं दंगलों में और मैट पे भी लग सकते हैं। तो धन्यवाद।